Good morning everyone. Today we are going to learn problems on section of solids and DLS, that is development of lateral surfaces. A hexagonal prism with 30 mm sides of base and 60 mm axis height is resting on its base on HP and two sides of base are parallel to VP. A section plane perpendicular to VP and inclined to HP at 60 degree and bisect the axis. Draw front view, sectional top view, true shape of section and DLS. Retain the cut portion. आपको problem दिया हुआ है, okay? आपको बोला draw front view, sectional top view and true shape of section and DLS, okay? And hexagonal prism of side 30 mm and axis height 60 mm बोला है, resting on base with two edges of the base parallel to VP. बोला है two edges of the base parallel to VP. Hexagon के लिए बोला है, मैंने draw करके दिखाया है, आपका hexagon ऐसा रहेगा. When they use the word two edges are parallel to VP, तो मेरा ए वाला edge parallel रहेगा VP को. इस मेरे x वाला एंगल मेरा HP और VP दोनों combine है. Okay. When they use the word two edges are parallel to VP, आपको ए वाला edge दोनों parallel करना. When they use the word two edges are perpendicular to VP, आपको ऐसे draw करना है. दो edges ऐसे. Same for the square के लिए. When they use the word two edges are parallel to HP or VP, आपको ऐसे draw करना है square. When they use the word two edges are perpendicular, आपको ऐसे draw करना है. इतना clear? Okay. Same for the pentagon के लिए. When they use the word one edge is parallel to VP, आपको A वाला edge ऐसे draw करना है. एक. Okay. और उसका corner नीचे आएगा. अब बोलेगा कि one edge is perpendicular to VP, आपको edge यहाँ पे draw करना है. Corner इधर आएगा. ठीक है. और मुझे बोला draw it is cut by the AIP and bisect the axis and inclined to 60 degree. It is cut by the AIP and bisect the axis and inclined to HP at 60 degree. आपको उसको कट करना है and bisect करना है. Bisect means क्या? उसके height को दो part पे equally divide करना है. तो height है 60 का, तो मुझे उसको center 30 पकड़ के वहाँ से मुझे angle draw करना है 60 degree का. पहले इसका मैं पहले front view draw करता हूँ. मेरा ये हो गया हेक्सागन. आपको इसके कॉर्नर्स को जॉइन नहीं करना है क्योंकि ये पिरामिड नहीं है. प्रिज्म में आपको सिर्फ वर्टिकल एजेस ड्रॉ करना है. तो पहले मैं इस सारे पॉइंट से इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करता हूं और मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूं. ठीक है, तो मेरा एक पॉइंट यहां पे. पहले मुझे एक्सिस से लेता हूं मैं. आपको सिर्फ प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है वर्टिकल सारे पॉइंट्स में से. मैंने सारे पॉइंट से मेरे पोजीशंस ड्रॉ कर दिए हैं. मुझे हाइट बोला है 60 का, तो लगभग मैं हाइट आप कंपास ले लो, आपका स्केल से आप 60 मार्क कर लो, आपको जॉइन करना है. तो मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं. मेरा पूरा नहीं बना है, आपको इसको अभी कट करना है. तो सोचो कि मेरे पहला पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया है इतना. बाद में इसमें वापस से करेक्शन करेंगे. तो अब मुझे दिया है, अब मैं इसका नाम दे दूंगा. मैं तो मेरा पॉइंट 1 है, ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है. इसमें दो नाम दूंगा मैं आपको, से ए बी सी डी ई और एफ. बिकॉज़ अगर दो फेस है ना, मेरा बॉटम में एक फेस और मेरा टॉप में एक फेस. मेरा बॉटम का नाम है 1, मेरा पे 2 है, मेरा पे 3 है, 4 है, 5 है और 6 है. ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और फिर से एफ. मैं दो एजेस है इसका. मैं एक्सिस लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मेरा प्रॉपर हो जाएगा उसके लिए. तो एक्सिस में एक लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक्सिस को बाइसेक्ट करना है. तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका हाइट है 60 का, मुझे इसका एक हाफ पोर्शन पता करना है. मेरा हाफ यहाँ पे होगा. फिर मुझे अभी स्मॉल लाइन ड्रॉ करना है और मैं उस लाइन से एंगल लूंगा कितना, 60 डिग्री का. ठीक है, मुझे 60 का एंगल लेना पड़ेगा. तो मुझे एंगल लेना है 60 का. मेरा 60 का एंगल हो गया है. आप अपने 60 का एंगल लोगे जैसे, उसको आपको कट आपको शो करना है आपका कटिंग प्लेन ए ए ना. फिर मैं इसमें नंबरिंग कर दूंगा मेरा. ठीक है, तो ये मेरा सपोज ये मेरा पॉइंट हो गया. ओके, ये मेरा पॉइंट 1 है,
मेरा पॉइंट टू और मेरा पॉइंट सिक्स है, मेरा पॉइंट थ्री और पॉइंट फाइव है, मेरा पॉइंट फोर है। ओके मुझे रखना नीचे क्वेश्चन, तो मुझे मेरा नीचे का क्वेश्चन रखना है, मुझे मेरा नीचे का क्वेश्चन रखना है, मुझे इसको डार्क करना पड़ेगा, तो मैं इसको डार्क करता हूँ। ए वाला पार्ट मुझे रखना है, बाकी ऊपर क्वेश्चन मुझे रिमूव करना है, ए वाला मुझे रिमूव करना है, जो मुझे डार्क रखना है उसको मैं डार्क करता हूँ। ठीक है, मुझे वर्टिकल एजेस जो मुझे वो भी दिख रहे हैं, तो मुझे भी डार्क करना पड़ेगा वर्टिकल एजेस। ए वाला एज मेरा, ए वाला एज और मेरा ए वाला एज। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे से ना फ्रंट से, फ्रंट से आई कैन सी 1.6.5.4, तो मुझे उसको डार्क करना पड़ेगा। ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू, ये मेरा हो गया टॉप व्यू। आपको अगर पूछेंगे डीएलएस ड्रॉ करने के लिए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड द डीएलएस सिंपल, तो आपको सिर्फ इतना करना है, फ्रंट व्यू करना है, टॉप व्यू करना है, डीएलएस ड्रॉ करने का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक पार्ट। अगर आपको बोलते हैं ड्रॉ फ्रंट व्यू सेक्शन टॉप व्यू एंड द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, आपको इसको सेक्शन करना पड़ेगा। हम तो उल्टा करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम दिया है, मेरा सिर्फ फ्रंट व्यू दिया है, सिर्फ दिया है टॉप व्यू और मुझे बोला है ड्रॉ द डीएलएस, पहले मैं डीएलएस ड्रॉ करता हूँ, वो कैसा होगा आपका सामने, आप उसमें स्टडी कर सकते हो। तो अब मुझे ड्रॉ करना है मेरा डीएलएस वाला पार्ट। ठीक है, ये डीएलएस मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डीएलएस के प्रोसीजर क्या है, आई वॉन्ट द पेरीमीटर। ओके, आई वॉन्ट द पेरीमीटर, तो मेरा पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड इनटू नंबर ऑफ साइड्स। मेरा साइड का लेंथ कितना है, मेरा लेंथ है 30 का। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड 30, नंबर ऑफ साइड्स मेरा कितना है, 6 साइड्स। ठीक है, तो आई विल गेट 180 mm, मुझे 180 mm मिलेगा। आपको क्या करना, आपको यहाँ से कितने 6 पार्टीशन करना है लेंथ लेके 180 का। ठीक है, सिंपल क्या करना, आपको इस वाले पॉइंट से आपको वर्टिकल जो आएगा, आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, सीधा आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है लंबा। फिर आपने जो आपको जो पहला वाला एज है 1a, 1a से आपको स्मॉल गैप छोड़ना है, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, आपको इस वाले पॉइंट से मेरा ए, मेरा 1 पॉइंट और मेरा ए पॉइंट, आपको डीएलएस में नाम दोगे ना वर्टिकल ऊपर में, आपको देना कैपिटल स्मॉल ए देना, देना कैपिटल्स, तो ए बी सी डी ई वापस आ, तो 1 2 3। अब मुझे करना, मुझे यहां से 6 पार्ट चाहिए मुझे, तो कंपास लोगे, कंपास में लेंथ लोगे कितना 1 2 2 का जो 30 mm का, आपको ऐसे 6 पार्ट करना है, ऐसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 और 6 पार्ट। ठीक है, ये मेरा हो गया 1, मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, वापस से मेरा 1 हो गया। सेम आपको ऊपर में लाइंस ड्रॉ करना है वर्टिकल, इसको स्केल डालने को पकड़ लो, आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल, तो सारे पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। आपको ऊपर नाम देना है, जैसे ए मेरा ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है और यह है, आपस से मिला हो गया ए, ए बी सी डी ई एफ आपस से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया उतना पेरीमीटर। आप इसको शो कर सकते हो, आपको शो करना होगा, तो डायमेंशन इसका यहाँ से यहाँ तक का मेरा कितना डिस्टेंस ने लिया हुआ है 180 का, तो आप अपनी डायमेंशन लाइन ड्रॉ करके तो इसको शो कर सकते हो, which is your 180 mm। ठीक है, now next process क्या है, मुझे मेरा point 1 है, मेरा point 1 है, मेरा point 2 और 6 है, मेरा point 3 और 5 है, मेरा point 4 है, मुझे उन lines से क्या करना, straight lines draw करना है, position lines। ठीक है, तो मैं पहले point 1 से position draw करता हूँ, simple, तो point 1 से draw करना है position है, 1 से, आपको 2, 5 से लूँगा मैं, आपको 3, 5 से लूँगा, ठीक है, 3 पहले मैं 1 से लाइन ड्रॉ करते पोजीशन में, फिर 2 6 से लूंगा मैं पोजीशन में, फिर मैं 3 5 से ले लिया और बाकी मेरा लास्ट बाकी मेरा पॉइंट, आपको पोजीशन में ड्रॉ करना है टिल द एंड, लास्ट तक करना आपको ड्रॉ, लास्ट तक ड्रॉ करना है। मेरा हो गया, मेरा एक पॉइंट 4 का मेरा हो गया, मेरा पॉइंट 2 और 6 का लाइन जा रहा है, इनर लाइन जा रहा है पॉइंट, सॉरी इनर लाइन जा रहा है पॉइंट 2 और 6 का, ओवर लाइन का पॉइंट 3 और 5 का, और अभी मेरा लाइन जा रहा है पॉइंट 1, मैंने सारे पॉइंट्स लाइन ड्रॉ कर दी। अभी आपको पॉइंट करना है लोकेट। ठीक है, अभी क्या करना आपको, आपका ये पॉइंट 1 है, आपका पॉइंट यहां से ऊपर जा रहा है, आपका पॉइंट 1 है, ये आपका हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऊपर जा रहा है, आपका हो गया पॉइंट 2, यहां से आपका हो गया पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऊपर जा रहा है, आपका पॉइंट 3 यहां से आपका हो गया पॉइंट 3, और पॉइंट 4 जा रहा है ऊपर, आपका पॉइंट 4 वहां से आपका हो गया पॉइंट 4, पॉइंट 5 जा रहा है ऊपर, आपका पॉइंट 5 यहां आपका,
तो ये मेरा 0.5 यहाँ से जा रहा, मेरा 0.5 यहाँ से रहा, ये मेरा 0.5 हो गया, मेरा 0.6 जा रहा है यहाँ से, मेरा 0.6 यहाँ से रहा, मेरा 0.6, मेरा 0.1 जा रहा है यहाँ से, मेरा 0.1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो प्रिज्म, प्रिज्म में आपको सारे पॉइंट जो आपको उसको कट करना है, तो आपको उसको ज्वाइन करना है बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रिज्म में आपको सारे पॉइंट जो आपके, आपको सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो आपको 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3 ज्वाइन करना है, 3 से 4 ज्वाइन करना है, 4 से 5 ज्वाइन करना है, 5 टू 6 ज्वाइन करना है, 6 टू 1 ज्वाइन करना है, ठीक। और आपका इस पोर्शन में पूरा बॉटम बेस है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा अवेलेबल है, हां तो आपको पूरा बेस पूरा ज्वाइन चाहिए। मतलब 0.1 से जाओगे 1 पे, ठीक है, 0.1 से जाओगे 1 पे, तब आप बेस जाओगे पूरा 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 5, 5, 2, 6, और 6, 2, 1, 1, 1, ये आपका हो गया DLS, ठीक है। तो हमने इस प्रॉब्लम में पहले इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया, टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया, डीएलएस ड्रॉ कर दिया। तो आपको एग्जाम से पूछेंगे 5 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए, ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, अदर डीएलएस, आपको इतना ड्रॉ करना है। अगर आपको बोलते हैं ड्रॉ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, अदर ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, तो आपको अलग पोर्शन ड्रॉ करना है, तो मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे बोला है कि ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू, मेरा कटिंग पोर्शन कहाँ पे, कटिंग पे मेरा 60 पे, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है सेक्शनल टॉप व्यू, मुझे करना है, मुझे सारे पॉइंट से पहले पोजीशन ड्रॉ करना है। तो मेरा जो है ना 0.4 जो मेरा वहां से डायरेक्ट यहां पे आएगा, ठीक है, वही पेगा मेरा 0.05 यहां पे आ रहा है, मेरा 0.1 यहां पे वही पे आ रहा है, आपस में 0.1 यहां कर रहा, मेरा 0.3 आपस में यही पे आ रहा है, आपस मेरा 0.5 यहां पे आ रहा, मेरा 0.62 मेरा 0.6 यहां पे आ रहा, मेरा 0.2 यहां पे आ रहा, मेरा 0.1 यहां पे आ रहा, वापस से मेरा पूरा हेक्सागन पूरा कट रहा है। अगर आपने इसको इस काटोगे ना इसे कटिंग प्लेस से, यू कैन सी द पूरा टोटल योर हेक्सागोनल शेप फ्रॉम द टॉप व्यू, बट इन द बिगर फॉर्म में दिखेगा। तो फिलहाल मेरा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है, आपको इसको करना है हैचिंग। तो आपको करना क्या होता है, आपको इसको स्लॉट लाइंस ड्रॉ करना है, हैचिंग लाइंस पूरे पोर्शन को, तो आप दिखा पाओगे आपका सेक्शनल टॉप व्यू बाय द हैचिंग लाइंस, ठीक है। हैचिंग लाइंस ऐसी होती है, आपको बेस पे आपको सारे लाइंस ड्रॉ करना होता है पैरेलल एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, पैरेलल लाइंस, इसको बोलते हैं मैचिंग लाइंस। मेरा हो गया सेक्शनल टॉप व्यू, ये मेरा हो गया है सेक्शनल टॉप, ठीक है। अब मुझे अगर ड्रॉ करना, ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे उसके लिए पहले कटिंग, कटिंग प्लेन ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा, सपोज मेरा कटिंग प्लेन हो गया है ए और ए। अब मुझे क्या करना है, कटिंग प्लेन दे दिया 0.4, अब कंपास लोगे, कंपास से 0.4 पकड़ लो, 0.4 मार्क कर दो यहां पे, उससे मेरा 0.4 है, ठीक है। कंपास होगा, कंपास में डिस्टेंस होगी 0.4 से 3 तक लोगे, आपको मारना है यहां पे, ठीक है, मतलब 0.3, 0.5 होगा, आपको मारना है 0.4 से लो या 0.3 से लो, जहां से लेना बेसिस, तो आप 0.4 से लोगे 0.2 का डिस्टेंस है, आपको कंपास में मारना है 0.4 से 0.2 का डिस्टेंस, तीन लोगे 0.2 और 0.6 का डिस्टेंस, तो कंपास लोगे 0.4 से 0.1 का डिस्टेंस, आपको मारना है 0.1 का डिस्टेंस। मैंने 0.1 2 3 4 5 6 सारे मार्क कर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, उसे पोजीशनलाइज ड्रा करना है नीचे वर्टिकल्स, आपको सारे पॉइंट से पोजीशनलाइज ड्रा करना है नीचे, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट से पोजीशनलाइज ड्रा कर दिए, तो आपको जो हेक्सागन कटा हुआ है, हेक्सागोनल और ट्रॉफी में सेक्शन, आपको उन सारे पॉइंट से लाइन ड्रा करना है, मेरा 0.65 एक लाइन पे, मेरा 4 और 1 एक लाइन पे है, मेरा 3 और 2 एक लाइन पे, मैं सारे पॉइंट से ड्रॉ कर दूं, वो पॉइंट ना लोगे, मेरा पॉइंट यहां पे आ रहा है, मेरा पॉइंट यहां पे है, मेरा पॉइंट 2 यहां पे है, मेरा पॉइंट 3 यहां पे, मेरा पॉइंट 4 यहां पे, मेरा पॉइंट 5 यहां पे, और मेरा पॉइंट 6 यहां पे, ठीक है। आपको सारे पॉइंट्स वापस से जॉइन करना है, तो मैंने पहले पॉइंट 1 से 2 जॉइन कर दिया है, 2 से 3 जॉइन कर दिया है, 3 से 4 कर दिया है, 4 से 5 कर दिया है, 5 से 6 कर दिया है, और 6 to 1 ड्रॉ कर दिया है, ठीक है।
अब मुझे सारे पॉइंट्स को हैचिंग करना पड़ेगा। ये मेरा होगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन जो बिगर फॉर्म में आता है, मुझे इनको हैचिंग करना है ड्रॉ। अब इसको पैरेलल बिट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इसे। ये मेरा हो गया ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, यस यस ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो मैंने सारा प्रॉब्लम ड्रॉ कर दिया है, आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है, स्टडी करना है। हमारा प्रॉब्लम था हेक्सागोनल प्रिज्म दिया था, बॉटम बेस का साइड था 30 mm का और हाइट दिया था 60 mm का, कटिंग प्लेन था जो एंगल था 60 डिग्री का और कट किया था उसको, बाइसेक्ट किया एक्सिस को, और हमने उसका फ्रंट टू ड्रॉ कर दिया है, सेक्शनल ट्रॉफी ड्रॉ कर दिया है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ कर दिया है और हमने उसका DRS भी ड्रॉ कर दिया है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए और एग्जाम में सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।